ओम शांति। 25 अगस्त के महावाक्य। मीठे बच्चे कभी थककर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं, सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाबा का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। प्रश्न है, 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? जवाब, जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो। प्यार के सागर बाबा को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा परफेक्ट बनानी है। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे, सब खिटखिटे समाप्त हो जाएगी। गीत है तो प्यार का सागर है। प्यार का सागर शिव बाबा अपने बच्चों को भी मास्टर प्यार का सागर बनाता है। मेन पॉइंट ये है कि देखो लक्ष्मी नारायण कितने मीठे हैं, पता है ये मीठे कैसे बने? ये शिव बाबा की याद से मीठे बने हैं, तो हमें भी बाबा की याद से मीठा बनना है। देही अभिमानी बनने का बहुत प्रयत्न करना है, नहीं तो कम पद पालेंगे। आत्मा समझ बाप को याद करने में बहुत मजा आता है। बाबा कहते भल तुम घूमो फिरो, लाइफ में जाओ, कोई मना नहीं है, पर बाबा को जरूर याद करो। नॉलेज में भल तुम कितने भी तीखे हो, लेकिन बाबा कहता है फिर भी तुम मुझे मीठे नहीं लगेंगे। मीठे वही लगेंगे जो बाबा को याद करते हैं। हाँ, अहंकार में नहीं आना। देखो मनुष्य की जीवन तो जहर जैसी है ही रौरव नरक। एक दो को दुख देते रहते हैं क्योंकि देह अभिमान के भूत बहुत हैं। कहते हैं संग तारे कुसुंग डुबोए। देखो बाबा का संग हमें कितना अच्छा मिला है, तारने वाला। बाबा का हाथ पकड़ा है तो छोड़ना नहीं है। अगर बाबा की याद भूल गई तो माया हमारा हाथ खींच लेंगी। बाबा कहते बच्चे तुम बाबा की याद में रहो। कई कहते तीन पैर पृथ्वी नहीं मिलती। बाबा कहते बच्चे तुम तीन पैर पृथ्वी में ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय हॉस्पिटल खोलो, जिससे मनुष्य आकर के सफा पाएंगे। ये कितने दुख और तकलीफ में हैं, तभी तो भगवान को याद करते हैं। सब ठीक हो जाए इसलिए तुम उनके लिए यूनिवर्सिटी खोलो। कई शराब पीते हैं तो देखो उनकी शक्ल कैसी हो जाती है, कम उम्र के लगते हैं। देवताएं देखो कितनी अच्छी शक्ल के हैं, कितने अच्छे लगते हैं। बाबा तो अविनाशी सर्जन है। गाया जाता ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा बिंदु है, इस पतित छीछी दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी। एक बाबा का हाथ पकड़ इससे पार जाना है। माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है। ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान है बाप और सेवा की समृद्धि से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट सच्चे सेवाधारी बच्चों को भी बाबा और सेवा के सिवाय कुछ भी याद ना आए, इससे एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होगा। बाबा कहते एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहाँ भी आकर्षण नहीं हो सकती। एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देगा। यही श्रेष्ठ मंजिल है। स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों को पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। आज का स्वमान है मैं और मेरा बाबा, बाबा और सेवा। ओम शांति। ओम शांति।